हेलो माय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो रितिका और सैमी के लास्ट पार्ट में कुछ ये होता है कि रितिका जो होती है वो सैमी से हाँ करवा देती है कि मैं तुम्हारे घर जाके रह सकती हूँ क्या। तो सैमी वैसे तो इनकार करती है मगर फाइनली उसे मानना पड़ता है क्योंकि रितिका उसे मनाती है। और इन सबके बाद रितिका जो होती है वो सैमी से कहती है कि उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं तो तुम आ सकते हो। तो सैमी कहती है हाँ, अगर तुम वहाँ पर हो तो शायद मैं वापस चल जाऊँ। लेकिन उसके बाद वो अपनी बात से पलट जाती है। तो रितिका जो होती है वो सैमी से कहती है कि जाओ ना लो। तो सैमी उसे इनकार कर देती है। तो देखते क्यों, तो सैमी कहती है कि पहले मुझे किस दो, उसके बाद ही नहाने जाऊँगी। तो रितिका जो होती है फिर उसे किस कर देती है एंड कुछ देर के बाद सैमी जो होती है वो नहाने के लिए चल जाती है एंड रितिका जो होती है वो अब ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है। तो इतने में रितिका की जो मामा है वो वहाँ पर आ जाती है। तो रितिका उनसे कहती है कि माँ पैकिंग कर लीजिए हम वापस चल रहे हैं। तो उसकी मम्मी कहती है कि देख लो वापस सच में चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तुम दोनों साथ रहे हो और उसके बाद फिर तुम। तो रितिका कहती नहीं मम्मा, और वैसे भी ये ज़्यादा अच्छा है, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसमें से मेरी मर्ज़ी शामिल नहीं है बल्कि सैमी मेरे साथ है और जो भी करते हैं हम दोनों सोच समझ के करते हैं ना। तो उसकी मम्मा कहती है कि ठीक है, लेकिन तुमने ये क्यों कहा कि तुम सैमी के घर रुकोगी, तुम हमारे घर भी रुक सकती हो ना रितिका। तो रितिका जो है वो थोड़ा सा गुस्से में रहती है, मम्मा आपको पता है उस घर में ना जाने की वजह, अगर मुझे उस घर में दोबारा जाना होता तो गौरव के बाद मैं सीधा उसी घर में आ जाती, लेकिन नहीं मैं इनके पास आई हूँ क्योंकि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ और उस घर में दोबारा गई ना तो अब इनके साथ नहीं रह पाऊँगी और वैसे भी उस घर में दोबारा मैं जा भी नहीं सकती, जाना भी नहीं चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप भी मुझे इंसिस्ट मत कीजिएगा और वैसे भी मेरे सब कुछ मेरे सैमी है, सिर्फ वो और कोई भी नहीं है। तो जो उनका घर है वो मेरा घर है और अब आपको कोई शिकायत है तो आप मुझे कह दीजिए, लेकिन मैं तो उनके घर जाके रहूँगी और आफ्टरऑल मेरा हमेशा से ख्वाब था, एक ही तो सपना था कि सैमी और मैं हम दोनों साथ हों। आपको पता है हम दोनों ने साथ सपना देखा था कि इनका बेडरूम इनका नहीं हमारा बेडरूम होगा, बिल्कुल उसी तरीके से वो बेडरूम डिज़ाइन है जैसे मुझे चाहिए था, जैसे मैं चाहती थी और बिल्कुल वही हस्बैंड मिला जो मुझे चाहिए था। सैमी बड़ी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है, यही हूँ कहूँ कि कोइंसिडेंस, कुदरत, भगवान, इन सब की वजह से अब जाके मुझे मेरे सैमी मिले। मैं दोबारा उस घर में जा कर के तो बिल्कुल भी नहीं, अपना सब कुछ अपने हाथों से नहीं बर्बाद करना चाहती मामा, मैं नहीं चाहूँगी और मैं वैसे भी मेरे ससुराल जा रही हूँ। तो रितिका की मामा जो होती है वो तो वहाँ चल जाती है लेकिन सैमी सब कुछ समझ होती है और वो रितिका के पास आके उससे पीछे से गले लगती है। क्या बोल रितिका? तो रितिका कहती कुछ नहीं, तुम बताओ हो गए तुम रेडी? तो सैमी कहती हाँ रेडी तो मैं हूँ एकदम, देखो मुझे। तो रितिका जो होती है फिर सैमी की तरफ देखती है और उसे बस देख लेती है। तो सैमी कहती क्या है? तो कहते कुछ नहीं, मानना पड़ेगा यार तुम हॉट बहुत हो यार। तो सैमी कहते अरे मेरे बेटा सच में? तो रितिका और नहीं तो क्या, सच में यू रियली हॉट। कभी कभी ना मुझे डर लगता है मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के जाना ही नहीं चाहती हूँ, सुनो एक काम करो ना तुम भी चलो ना मेरे साथ। तो सैमी कहते पागल हो गया? तो रितिका और नहीं तो क्या, पागल ही हूँ मैं, नहीं चाहती तुम्हारे आसपास कोई आए, वैसे भी गुड़ देखे मक्खी जैसे कोई ना कोई भिन बनाते हुए आ जाती है, ऊपर से दिखने में भी तुम इतने हॉट और सेक्सी हो यार, तो वाह जान ले लेते हो तुम तो मेरी। तो सैमी कहती है कि हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो लेकिन तुम ये चीज़ भूल रहे हो कि मेरे पास मेरे करीब मेरे नज़दीक आने का सिर्फ हक एक के पास है। तो रितिका कहती हाँ मैं जानती हूँ कि वो हक बस मेरे पास है लेकिन क्या है ना कि जब मैं नहीं थी ना तो तुम ऐसे थे मोमबत्ती की तरह बुझे बुझे से, और अब मैं आ गई हूँ तो तुम खिले हुए गुलाब की तरह लगे और मैं नहीं चाहती कि ये गुलाब मेरे अलावा किसी और को मिले। तो सैमी को हंसी रहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रितिका, वैसे ये रोज तुम्हारा है और रोज तुम्हारा है। तो रितिका जो उसके शोल्डर में आती पागल हो गया? तो सैमी कहती पागल वाली क्या बात है इसके अंदर, मैंने सही तो कहा रोज़। तो रितिका कहती रहने दो, तुम्हारे रोज़ और रोज़ का फ़र्क मुझे बहुत अच्छे से पता है, रोज़ रोज़ मैं बताऊँ तुम्हें आए बड़े कैक्टस कहीं के। तो सैमी को थोड़ी सी शरारत होती है, अच्छा तो तुम बताओ रोज़ का मतलब क्या होता है? तो ये कहते रोज़ रोज़ एक चीज़ बताओ, डेली वाला रोज़ या फिर रोज़ वाला रोज़? तो सैमी कहती यार समझ गई। तो कहते हाँ तुम्हारे साथ है कि मेरा भी दिमाग भी अपर लेवल पे काम करता है, रोज़ मैं बोल देती ना तो तुम मुझे पकड़ लेते ढंग से, तूने बोल दिया अब बेटा देख, पर मैं क्या है ना समझदार हूँ जान, आपके साथ रहती हूँ आपकी परछाई हूँ। तो सैमी जो है फिर उसे नज़दीक करते हैं, ओह मेरी परछाई हो तुम, मुझे लगा तुम, और ऐसा बोलते हुए रितिका की
जो गर्दन है वहाँ की तरफ अपने फिंगर्स को फेर देती है और नज़दीक जा रही होती है। तो ऋतिक उसे खुद से दूर करते हुए, सुबह है ये, तो सैम कहते हैं हाँ तो सुबह कौन रोमांस नहीं करता है, ये कहीं लिख रहा है क्या? तो ऋतिक कहती है लिख तो कहीं भी नहीं रहा है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें जाने में लेट हो जाएगा? तो सैम कहती है ओ हेलो, तुम्हें पता भी है मैं हूँ कौन? किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे सामने भूल जाए, मुझे भूल जाए, तुम जानती नहीं हो। तो ऋतिक जो है वो सैमी को हल्के से है ना मतलब मारते हुए, ओए घमंड नहीं करना चाहिए इतना। तो सैमी तो क्यों ना करूँ, और वैसे भी घमंड करने वाली चीज़ हूँ, अपने दम पर हूँ, जो भी हूँ, प्यार मेरा मेरे साथ है, फैमिली मेरी सेटल है, मुझे किस चीज़ का क्या वो? तो ऋतिक कहती हाँ वैसे सुनो। तो सैमी कहती है हाँ जी कहिए ना, आपकी सुनने के लिए तो हम बेताब बैठे हैं, पिछले इतने टाइम से हम तरस रहे हैं, आप कहो ना क्या कहना है आपको। तो ऋतिका जो है फिर सैमी को अपनी बाहों में लेती है, सुनो घर चलो ना मेरे साथ। तो सैमी जो है वो थोड़ा सा नाराज़ रहती है ना, क्या है ऋतिका? तो ऋतिका कहती है कि कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मैंने कुछ गलत थोड़ी ना मांगा तुमसे, और एक ही चीज़ तो मांग रही तुमसे, सुनो प्लीज़ घर चले क्या? तो सैमी कहती देखो मेरा घर वो नहीं है, मैं तुम्हें लास्ट टाइम बताया, बस बहुत हो गया है अब। ऋतिका मैंने तुम्हें जाने से मना नहीं करा ना, मैंने तुम्हारी बात मान ली ना, तो तुम मुझे क्यों नहीं मानने दे रही मेरी मन की बात? मुझे नहीं जाना, नहीं जाऊंगी मैं, चाहे जो हो जाए मैं उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ, और वैसे भी वो मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर है। तो ऋतिका जो है वो उसके गले में अपनी पैंट डाल देती है कि ओ हेलो ये घर भी आपका नहीं है? तो सर उसे ऐसे देखते हैं हाँ, तो ये घर मेरा है, आई बस समझ में? तो सैमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देती है, और वो ऋतिका को उसकी कमर से पकड़ के अपने करीब करते हुए, हाँ ये घर तुम्हारा है और मैं भी, तो मुझे तो इस घर में रहने का है ना, और एक चीज़ बताओ, जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, तो इन शॉर्ट ये मेरा है वो मेरा नहीं है, तो तुम दोबारा मुझसे ये नहीं कहोगे कि उस घर में जाओ, ओके? तो ऋतिका उससे ना मारते हुए कि क्यों नहीं कहूँगी मैं तुम्हें जाने के लिए, तुम जाओगे और तुम मेरे साथ चलोगे। तो सैमी कहते हैं नहीं मैं उस घर में दोबारा बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ, अरे तुम्हारे समझ में, और वैसे भी उस घर में जाके करूँ भी क्या? क्या तुम वो सब कुछ भूल चुकी हो जो हुआ था? क्या तुम्हें याद नहीं कि अगर वो लोग हाँ कर देते तो इतना सब कुछ होता ही नहीं, तुम्हें किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऋतिका कहती हाँ अगर वो हाँ कर भी देते तो क्या मैं तुमसे शादी कर लेती? सैमी कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो कि तुम्हारी फैमिली की गलती है तो गलती मेरी फैमिली की भी है, मेरा भाई कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करता। तो देख लो गलती तुम्हारी फैमिली की नहीं मेरी फैमिली की भी है, पर मैंने भी तो उसे एक्सेप्ट कर रखा है ना, चाहे जो हो जाए, तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते हो? तुम हमेशा चीज़ों से भागते क्यों यार सैमी? तो सैमी उसे खुद से दूर करते हो, देखो ऋतिका इस बात पे तुम मेरा मूड मत खराब करो, मुझे बहुत काम होता है, तुमसे मैं कुछ नहीं कह पाती लेकिन मेरा गुस्सा कहीं और निकल जाता है, तुम्हारे बात समझ में क्यों नहीं आती है ऋतिका? समझने की कोशिश करो, कोशिश करो, मैं उस घर में दोबारा मुड़ के नहीं जाऊंगी, जिन्हें मेरी तकलीफ़ नहीं दिखी, जिन्हें मेरा प्यार नहीं दिखा, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी, दैट्स फाइनल, नहीं जाना है तो नहीं जाना है मुझे, ठीक है? तो ऋतिका उससे दूर होते हुए, ठीक है नहीं आना है ना तो मत आओ, कोई तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, ठीक है? एंड ऐसे बोलते हुए ऋतिका जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, और वो सीधे समीर के पास चली जाती है, और वो समीर के साथ खेल रही होती है, एंड जो सैमी होता है वो बस अपना काम मतलब जो भी उसे लेके जाना होता है सामान वगैरह अपने फैले वगैरह रखने के बाद अब घर से निकल रही होती है, लेकिन फिर उससे ऋतिका का ख्याल आ जाता है, और वो दोबारा से अपने बैग को तो साइड में रख के फिर ऋतिका के पास चली जाती है, और ऋतिका इस वक्त समीर के साथ खेल रही होती है। तो समीर उसके पास जाके उसके खाल पे खल के से करते हुए कि जन बाय, तो ऋतिका उसे कोई रिप्लाई नहीं करती। तो समीर जो है उसे अपनी बाहों में लेते हुए, अच्छा सॉरी ना गलती हो गई, मैंने गुस्सा किया, माफ़ कर दो। तो ऋतिका कहती है माफ़ तो एक ही शर्त पर करूँगी। तो समीर कहती क्या? तो ऋतिका कहती है कि देखो आज मैं जा रही हूँ, और सुनो नेक्स्ट संडे को तुम वहाँ पर आ रहे हो। तो समीर उसे ऐसे घूर के देखते हैं क्या? तो ऋतिका पूरी बात सुनोगे या तुम पहले घूरना शुरू कर देते हो? तो सैमी उसके ना हल्के से उसके गाल पे मारते हुए, तो ऋतिका मुझे ना बात ही नहीं करनी तुमसे, जब देखो तब मारते रहते हो तुम मुझे, जब देखो तब हाथ उठता है तुम्हारा, मैं बात नहीं करूँगी तुमसे। तो सैमी उसको गले होते अले मेरा बाबू छोटा सा क्यूट सा बाबू सुन ले ना, ज़्यादा देर लग गया क्या? तो ऋतिका ना उसको ऐसे देखता है और फिर स्माइल करती है, नहीं आदत पड़ी हुई है, इतना तो तुम नॉर्मली मार लेते हो। तो सैमी उसको कुछ से पागल है क्या यार, मैंने मजाक में मारा था यार, तो सीरियस हो गई और मुझे भी सीरियस कर दिया, मुझे लगा तुझे ज़्यादा लग गया। तो ऋतिका कहते नहीं नहीं ज़्यादा नहीं लगा, आदत है, थोड़ा
तुम इतना तो मारती रहती हो ना। तो सैमी उसको ना ऐसे गिल जाते हैं और तो हमेशा पिटती रहती है। तो रितिका कहती है हाँ तो क्या करो, और वैसे भी तुम मुझे गुस्से से नहीं मारते हो, तो बस मेरे साथ खेलते रहते हो, अब थोड़ा बहुत खेल में लग तो जाती है ना। तो सैमी जो है हाँ करती है, लेकिन इतने में रितिका जाती है उसके पेट पर पंच मार देती है। तो सैमी ये चीटिंग होती है यार। तो रितिका कहती है क्यों चीटिंग क्यों होती है, तुम मारो तो कुछ नहीं मैं मारूँ तो हाँ चीटिंग, और अभी तो मैंने कहा खेल में तो लगी जाती है तो तुम्हें भी लग गई। तो सैमी जाती है फिर रितिका का हाथ मरोड़ देती है। तो रितिका अच्छा सॉरी सॉरी गलती होगी नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी पक्का छोड़ दो छोड़ दो। तो सैमी कहती है हाँ आई ना लाइन पे, और उसके बाद वो समीर को ना मतलब उसके साथ खेल ही देती है, खेल रितिका जाती है उसके सर के ऊपर मार देती है। तो अब सैमी उसको ऐसे देखते हैं तुम मुझ पर हाथ उठाया, देखो मैं नहीं छोड़ूंगी, और ये दोनों अब समीर को छोड़ देते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर मार कुटाई, कभी रितिका सैमी को मारती कभी सैमी रितिका। और इतने में रितिका की जो मम्मा है वो वहाँ पे आ जाती है और वो समीर को तो वहाँ से उठा लेती है और इन दोनों को देख कहती है तुम दोनों कभी बड़े भी हो जाओगे, तुम्हारे बच्चा भी हो गया अब तो शर्म कर लो, कोई शर्म लिया आज बाकी है। तो रितिका जो अपनी मम्मा से कहती है मम्मा आप समीर को ले जाओ मैं आज इनको नहीं छोड़ूंगी, जब देखो तब हाथ बहुत चलते हैं इसके। तो समीर कहती मम्मा इसको भी लेके जाओ, समीर को नहीं इसको भी लेके जाओ, मुझे भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, मेरे पीछे पड़ी हुई है यार ये पागल लड़की। रितिका समझने की कोशिश करो मुझे ऑफिस जाना है, जान छोड़ दो यार। लेकिन रितिका जाती है वो तो सैम के पीछे पड़ी होती है ना कि मैं तो तुम्हें मार के रहूँगी चाहे जो हो जाए। तो सैम जो है फिर वो खूब बचने की कोशिश करते हुए फाइनली रूम के दरवाजे तक पहुँच जाती है ना, और रितिका जाती है वो बैठ के दूसरी तरफ होती है। तो सैम से कहती है देखा मैं बच गई अब तुम मुझे मार के दिखाओ। तो रितिका उससे समझ नहीं आता क्या करूँ, तो अचानक कहती आ बहुत तेज दर्द हो गया। तो सैम जो है फिर उसके पास आते क्या क्या जान, तो रितिका जो है वो अपने पैर की तरफ इशारा करती आह बहुत तेज़ लग गई बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई पता नहीं अचानक से बहुत दर्द हो रहा है इसके अंदर। तो सैमी जो है फिर रितिका को अपने पाँव में उठाते हुए बेड पर ले जाती है कि क्या हुआ क्या हुआ, और ऐसे बोलते हुए वो रितिका के पैरों में मतलब उसके पैरों को दबा रही होती है, देख रही होती है कि क्या हुआ है। तो रितिका जब सैमी की आंखों में अपने लिए प्यार देखती है, इतनी फिक्र देखती है, केयर देखती है, कंसर्ट देखती है, तो वो सोचने लग जाती है कि यार मैंने गलत तो नहीं कर दिया, अब अगर इन्हें सच बोलूँगी तो ये मुझ पर भी भड़केंगे कि मैंने झूठ कैसे बोल दिया, क्या करूँ मैं। और वो ऐसे सोच ही रही होती है कि इतने में सैमी जो है वो रितिका से कहती है कि क्या हुआ कहाँ लगी है तुम्हें बताओ ना मुझे कहाँ लगी है तुम्हें, और ऐसा बोलते हुए सैमी के चेहरे के ऊपर एक दर्द होता है। तो रितिका से कहती है अब जान इतना नहीं लगा, आई थिंक नस पे नस चढ़ गई होगी ना, आपने उठाया आपने बिठाया अभी आपने मालिश भी करी तो शायद उतर गई। तो सैमी की जान में जान आती है ओ सब नस चढ़ी थी क्या पागल, मैं डर गई थी न जाने क्या हो गया तुम्हें बाबू। तो रितिका कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, और वैसे भी तुम्हारे होते हुए कोई और परेशानी थोड़ी ना जो मेरे पास आ जाए, तुम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो ना। तो सैमी जगह पर स्मेल करती है और रितिका के माथे के ऊपर किस करते हुए कि रितिका मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है क्या मैं जाऊँ। तो रितिका जो है वो उसको अपनी बाहों में लेती है, नहीं मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि तुम कहीं जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे सैमी। तो सैमी कहती है अरे बाबू जाने दो ना। तो रितिका कहती है बस एक शर्त पे। तो सैमी कहती क्या, तो रितिका कहते हैं इस संडे को तुम मेरे पास आ रहे हो। तो सैमी उसे ऐसे देखती है ना कि ये क्या है, तो रितिका अरे सुन लो ना बाबू प्लीज़ सुन लो, मैं तुमसे कह रही हूँ कि इस संडे को तुम मेरे पास आ रहे हो, मैं तुमसे ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि तुम घर आ रहे हो, हम बाहर मिल लेंगे कोई प्रॉब्लम है क्या बाहर मिलने में। तो सैमी कहती है अब ओके डन, अगर तुम ये चाहती हो तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, इस संडे को मैं तुम्हारे साथ ओके जान अभी मैं जाऊँ। तो रितिका कहती है हाँ अब तुम जा सकते हो मेरी पूरी इजाज़त है क्योंकि संडे को तुम मेरे साथ आने वाले हो, और सुनो मैं घर जा रही हूँ आज ठीक है। तो सैम कहती है अरे यार चलो ठीक है जाओ तुम, और उसके बाद वो वहाँ से उठी रहती है लेकिन दोबारा से बैठ जाती है और अब रितिका के ऊपर आ जाती है। तो रितिका को समझ आता नहीं ये जा रहे थे तुम काम है तुम्हें। तो सैम कहती है हाँ लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इतने वक्त तो रुक ही सकती हूँ ना जब तक तुम नहीं जा रही हो, और उसके बाद तो वैसे भी संडे को मिलोगी। रितिका आई थिंक है ना मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करना चाहिए ना, काम तो मैंने इससे पहले भी किया है, अब मुझे लगता है मुझे रितिका के साथ। तो रितिका जब उसे अपने ऊपर से हटाती है रहन दो जाके काम करो, और वैसे भी लास्ट नाइट जो हुआ ना उसके बाद तो ठीक है अब 1 वीक सब्र करना सीख जाना तुम अब। तो सभी कहते ओ हेलो सब्र और मैं ये दोनों एक ही सेंटेंस में बहुत बुरे लग रहे हैं, तुम्हें पता है अगर मुझे तुम्हारी याद आ गई ना तो मैं 1 मिनट में ऐसे आ जाऊँगी ऐसे। तो रितिका कहते ओहो ऐसे आ जाऊँगी ऐसे, तुम भले ही आ जाना लेकिन मैं मेरी ट्रेनिंग छोड़ के बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ। तो सैम कहती है ये बहुत चीटिंग है ये बहुत गलत बात है रितिका,
मतलब मैं तुम्हारे लिए मेरा सारा काम छोड़ के आऊँ और तुम तुम्हारी ट्रेनिंग छोड़ के नहीं जा सकती हो? बहुत गंदी हो तुम। तो ऋतिक, तो ओ ट्रेनिंग 6 महीने की है, प्लीज़ सब्र करना और सब्र रखना दोनों सीख जाना तुम। तो सभी को तो कहाँ, अभी तो उसका दिल मचल रहा होता है ना, और ऋतिक की सुन तो रही होती है लेकिन उसकी पूरी निगाहें ऋतिका के लिए उसके ऊपर होती है। तो ऋतिका जब उसे होश में लाते हैं, या तुम कब सुधरोगे? तो समीर, मेरे सुधरने से तुम्हें फ़ायदा हो रहा है क्या, या मैं सुधरने के बाद तुम्हें और पसंद आना है क्या? तो नहीं, वैसे तो तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा तो सुधर जाओ, खुद में सुधार ले आओ तुम थोड़ी बहुत। तो सभी कहते, नहीं मुझ में सुधार लाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, मैं जो हूँ जैसे हूँ जितना हूँ बहुत हूँ। तो ऋतिक कहते ठीक है, और वो ऐसे बोल के उठी रही होती है। तो सभी उसे वापस बेड पर धक्का देके खुद उसके ऊपर आके, और इस बार पूरी तरीके से ऋतिका के ऊपर आके, और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। तो ऋतिका कहती क्या? तो सभी कहते कुछ नहीं, बस यूं ही। और वो ऐसा बोलते हुए ऋतिका के लिप्स की तरफ बढ़ी रहती है, कितने में उसका फ़ोन जो है वो रिंग कर रहा होता है। तो अब समी का दिमाग खराब, यार इसे गलत टाइम पे क्यों बजना होता है। तो ऋतिका कहती है कि अगर तुम्हारे हाथ बिजी हैं तो मैं तुम्हारा हाथ फ्री कर देती हूँ। तो समी कहती नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, एक काम करो मेरा फ़ोन निकालो मेरे पॉकेट में से और दिखाओ किसका फ़ोन है, अर्जेंट ही हुआ तो फिर नहीं उठाऊँगी। तो ऋतिका जो होती है फिर समी को उसका फ़ोन निकाल के दिखाती है, तो उस पर उसके किसी स्टेट हेड का फ़ोन होता है। तो समी कहती ओ गॉड, ऋतिका फ़ोन स्पीकर पे डालना। तो ऋतिका जो होती है वो फ़ोन स्पीकर पे डाल देती है, और सैमी जो होती है अब वो उससे बात कर रही होती है, लेकिन ऋतिका को तो पंगे लेने की सोच रही होती है। वो सैमी की गर्दन के ऊपर हल्की से बैठ कर देती है। तो सैमी उसे इशारे में कहती पागल हो क्या, दिमाग खराब है तुम्हारा, बोलने दो मुझे। लेकिन ऋतिका जो वो मानने का नाम ले रही होती है, और वो सैमी के गर्दन के ऊपर अपने हाथ को फेर रही होती है, और जो सैमी है वो बात कर रही होती है, लेकिन फिर ऋतिका की तरफ घूर के देखती है। मान जाइए, समझ जाएगा यार वो शादीशुदा है। तो ऋतिका उसे शर्म कहती है हाँ तो तुम भी तो हो, उसे समझना चाहिए। तो सैम कहती है ओए चुप कर, उसे कुछ नहीं पता है, दिमाग मत खराब कर ऋतिका, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, प्लीज़ बात कर लेने दे। लेकिन ऋतिका जो है वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती, और जो सैमी है उसकी ज़बान अकलाल ही होती है कि मैं क्या बोलूँ, उसे कुछ समझ नहीं आता, उसके ऊपर से जा रहा होता है। और वो वैसे तो अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है ताकि वो बाद में सुन सके कि एक्चुअल में हुआ क्या था, लेकिन इतने में ऋतिका जाती है वो हल्के से तेज बैठ जाए और सैमी के गर्दन पर कर देती है, जिसकी वजह से उसकी आ निकल जाती है ना। तो अब जो उसका बॉस होता है वो समझ कहते हैं कि क्या वो सभी तुम ठीक हो ना? तो सैमी अब हाँ सर मैं ठीक हूँ, वो क्या है ना कि हमारे कॉलोनी में ना मच्छर बहुत हो रहे हैं, बहुत काटने लग रहे हैं इसकी वजह से। तो उसका जो बॉस होता है वो कहता है कि मच्छर, सिर्फ मच्छर ही है ना, और कोई सॉरी ना? तो सैमी कहते नहीं सर बस मच्छर ही है। तो उसका जो बॉस होता है वो समझ कहता है कि सैमी तुम भूलो मत, तुम मुझे भैया कहती हो, और मैं आज से नहीं बहुत वक्त से तुम्हारे साथ हूँ, जब से तुमने इस काम में कदम रखा था मैं तब से तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो। तो समझ जो वो स्माइल करती है, कहती है आप भाई, वो क्या है ना कि ऋतिका ऋतिका है मेरे साथ। तो उसके बॉस होते हैं आ मतलब कि उसके वैसे तो बहुत से लगते हैं बट वो उन्हें भैया ही कहती थी। तो कहते हैं रियली में ऋतिका, उसकी तो शादी हो गई थी ना? तो सैम कहती है वो बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि ऋतिका अब मेरे साथ ही है और हम दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो उसके भैया बोलते हैं पर कैसे ऋतिका तुम्हारे पास कैसे? तो सैम कहती है भैया मत पूछो कैसे, बस ऐसे समझ लो मेरी तो किस्मत खुल गई। तो उसके भैया कहते हैं किस्मत तो भैया तेरी बहुत ज़्यादा खुल गई, मेरी भी तो बात करा कहाँ ही है। तो सैम जो होती है फिर ऋतिका से कहती है लो बात करो भैया से। तो उसके बाद ऋतिका जो होती है वो उन भैया से बात कर रही होती है, और कुछ देर के बाद वो फ़ोन कट कर देते हैं। तो ऋतिका जो है वो सैमी से कहती है कि भैया तुम्हारे साथ अभी भी है? तो सैमी कहती है और नहीं तो क्या, वैसे पहले मैं यहाँ आ गई थी लेकिन अब 6 महीने पहले ही भैया भी यहाँ पे आ गए, और कमाल की बात यह है कि वो मेरे हेड है, और जब वो मेरे हेड है तो तुम्हें लगता है मुझे किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत होगी? तो ऋतिका कहती है हाँ यार ये बात तो है, तुम्हारी किस्मत मेरे आने के बाद सच में ज़ोरदार हो गई है। तो सैमी कहती वैसे एक बात बोलूँ, जब तक तू मेरे साथ थी ना सब कुछ सही होता था, तेरे जाने के बाद है ना सब कुछ ही बिगड़ गया। तो सर ऋतिका कहती है कि ओए कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत अच्छा हुआ है, बस ये है कि तुम्हें खुशी नहीं मिलती थी किसी चीज़ से, अब तुम्हें हर चीज़ से खुशी मिलती है। तो सैमी जो है वो उसके घर फिर से अपने करीब करते हैं, अच्छा सही बात है हाँ। लेकिन इतने में उसका फ़ोन जो है वो दोबारा से रिंग करता है। तो सैमी फिर देखती है तो उसके भैया का ही फ़ोन होता है, तो वो फिर फ़ोन उठाती है कि हाँ भैया क्या हुआ? तो उसके भैया बोलते एक काम करो, अगर ऋतिका तुम्हारे साथ ही है तो एक काम करो ना कुछ वक्त के लिए लीव ले लो। तो सभी कहते अरे भैया ऋतिका मेरे साथ तो है लेकिन ये मेरे साथ रहने वाली नहीं है, जा रही है आज ही। तो उसके भैया कहते हैं कि अरे अभी तो आई है फिर जा रही है, अब कहाँ जा रही है ये तुम्हें छोड़ के?
तो सैमी गोल से भैया ये सवाल आप इसी से पूछो। तो उसके भैया कहते हैं हाँ तो तुम फ़ोन स्पीकर पर डालो ना। तो उसके बाद सैमी जो थे वो फ़ोन स्पीकर पर डाल देती है। तो रीति कहती है भैया ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना कि मुझे काम से जाना है और ये काम का मेरा नाम लगा रहे हैं। तो उसके भैया कहते हैं अरे इतने वक्त के बाद तो तुम रीतिक आई हो, इतने वक्त के बाद तो सैमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, अब तुम कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, तुम्हें जो भी काम है ना तुम मुझे बोलो, मैं करवा दूँगा तुम्हारा सारा काम, बस तुम इसके पास रुक जाओ। तो रीतिका जो होती है फिर सैमी को मतलब अपने पाँव में मिलती है, भैया आप कहे तो बिल्कुल ठीक रहे हो और छोड़ना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन क्या करूँ ये वाला काम है ना मुझे ही करना पड़ेगा। तो उसके भैया जो होते हैं वो उस रीतिका से पूछ लेते हैं और रीतिका उन्हें सब कुछ बता देती है। सो उसके भैया कहते हैं ठीक है अगर ऐसी बात है तो नो इशू। एंड उसके बाद वो फ़ोन कट कर देते हैं और फ्रेंड्स अभी हम लोग भी बाद में मिल लेते हैं।